सबसे पहली बात तो राहुल जी की ये जो कोशिश है वो बहुत बड़ी है। मणिपुर जैसी जगह से शुरू होकर के जहां प्रधानमंत्री ने झांकना तक उचित नहीं समझा, वहां से शुरू करके न्याय के लिए यात्रा पूरे देश में जा रही है और कल बिहार में प्रवेश कर रही है। और डरी हुई भारतीय जनता पार्टी ने पहले असम में उस यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश की, मुख्यमंत्री ने पूरी कोशिश की और उसके बाद अब जो है बिहार में तिकड़म लगा करके यात्रा को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई, लेकिन यात्रा अपनी गति से चल रही थी, चलती रहेगी। मगर सर घुसने से पहले ही नीतीश का सरकार गिर गया और बीजेपी के साथ सरकार बनाने की बात हो रही है, हालांकि रिजाइन कर दिया है और दो डिप्टी सीएम भी बनेंगे। देखिए नीतीश जी के पास कोई आइडियोलॉजी नहीं है, वो कब कहां कैसे किसके साथ चले जाएं ये तो उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है ना। जो लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं ये सवाल आपको उनसे नहीं बल्कि नीतीश से पूछना चाहिए कि उनके उस वादे का उस कसम का क्या हुआ जो वो कहते थे कि मर जाएंगे लेकिन भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। तो सवाल उनसे बनता है, सवाल आप विपक्ष से मत पूछिए, इस समय सवाल आपको कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए, सवाल सीधे नीतीश कुमार से और अमित शाह जी से पूछिए। अमित शाह कह रहे थे कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद बंद बंद, वो जो तीन बार कसम खा रहे थे उस कसम का क्या हुआ। लास्टली पूछना चाहूंगा कि यही नीतीश कुमार जी ने पहला जो मीटिंग इंडिया अलायंस का वो पटना में किया था, उसके बाद बेंगलुरु में, उसके बाद मुंबई में, मगर वही आज बीजेपी के साथ है, तो ये बिहार का जो पॉलिटिक्स इसमें ये किस बिहार की पॉलिटिक्स से ज्यादा ये भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की विश्वसनीयता पे प्रश्न चिन्ह है। जो भाजपा कह रही थी कि हम नीतीश को मरते दम तक नहीं लेंगे, नीतीश कह रहे थे हम मरते दम तक नहीं जाएंगे, वो दोनों फिर से एक दूसरे से निकाह कर चुके हैं। तो सवाल विपक्ष से तो सवाल बनता ही नहीं। हम मोरली पूरी तरह से संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए लड़ रहे थे, लड़ते रहेंगे। एक नीतीश कुमार आए जाएं, 100 नीतीश कुमार आए जाएं, राहुल गांधी चट्टान की तरह कल भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, कल भी खड़ा रहेगा। ये इंडिया अलायंस में पार्टनर्स कम नहीं होते जा रहे हैं, मुझे भी विरोध कर रही है। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस अलायंस से बहुत घबराई हुई है, इसीलिए तोड़ने की कोशिश में, पहले महाराष्ट्र में तोड़ने की साजिश की गई, फिर बिहार में तोड़ने की साजिश की गई, लेकिन किसी एक सहयोगी, समंदर से एक बूंद निकल जाए तो समंदर पे कोई फर्क नहीं पड़ता।